कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुर्खी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत, जो दूसरा जो राउंड है उसके अंदर वो 5000 से ज़्यादा की वो बढ़त बनाए हुए हैं, और जो वो मतदान के दिन जो भगवा कलर की जैकेट पहने हुए थे वो आज भी वो पहने हुए हैं। सर, आज ऐसा क्या है जो आज आप भगवा कलर की जैकेट पहने हुए हैं? देखिए, इस बार एक सुखद संयोग था कि मंगलवार को चुनाव की घोषणा हुई, मंगलवार को वोट डले और मंगलवार को काउंटिंग हो रही है। मंगलवार के दिन इस प्रकार की वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने ये वस्त्र पहने हुए। लेकिन मंगलवार तो कहते हैं कि कमलनाथ जी वो मनाते हैं, आप कैसे मनाने लगे सर? ये सागर है, गोविंद राजपूत का शहर है जी, और हनुमान जी बब्बा जो हैं, भगवान जी बालाजी महाराज, वो किसी एक के नहीं होते हैं, पूरे विश्व के होते हैं। 5000 से ज्यादा की बढ़त इस वक्त आपको, जो आपके फेस पे चमक जो थी मतदान के दिन, जब मैंने कहा था 1 बजे जब मतदान हो रहा था और उसके बाद आज चमक वो बाकी है, तो वजह क्या अभी, रही? अभी मैं अंदर गया था, 5000 की लीड में पूरे राजगढ़ क्षेत्र के जो देहात के पोलिंग खुले हैं उनमें मात्र एक पोलिंग है जहां मैं 50 वोट से कम हूं, बाकी सारे पोलिंगों पर लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। इससे मुझे लग रहा है कि सुर्खी विधानसभा की जीत ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ेगी। सुर्खी आते आते ऐतिहासिक जीत आप दर्ज करेंगे। राहतगढ़ के अंदर आप कहते हैं कि राहतगढ़ का जो इलाका था वो थोड़ा डगमग होता था भाजपा के लिए, और आप हमेशा जब कांग्रेस में थे तो जीतते थे, लेकिन इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा कि जो पोलिंग कभी हारती नहीं थी कांग्रेस, वो इस बार भाजपा जीत रही है, तो उसके अंदर कौन सा मंत्र लगाया था आपने कि ये जो है वो इस इलाके को जीते? स्पष्ट रूप से मैं खुद थोड़ा सा चिंतित था कि राहतगढ़ क्षेत्र हम हारेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है हम कम रहें, लेकिन इस बार मैं ये देखा जाता था कि मेरे 25 साल के जो व्यक्तिगत संबंध राजगढ़ क्षेत्र से हैं वो संबंधों का असर चुनाव में होता है कि नहीं, पर मैं देख रहा हूं कि मेरे संबंधों को ना केवल लोगों ने निभाया बल्कि भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं राजगढ़ क्षेत्र की जनता के लिए प्रणाम करता हूं। आप राहतगढ़ की जनता को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत पे आते हैं तो मध्य प्रदेश की सियासत जो है, मतलब इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी अगर रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, तो क्या अब मंत्री जो है इतने कद्दावर मंत्री के से हम बात कर रहे हैं आने वाली सरकार में? देखिए, मंत्री जो होता है वो काम करने के लिए होता है, जनता की सेवा करने के लिए होता है। एक कद्दावर सब तो आप लोगों ने दिया हुआ है, हम तो ईश्वर, मुझे तो ईश्वर नहीं बनाया है, हमें कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ और सुर्खी क्षेत्र की सेवक बने काम करना चाहता हूँ, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा और जनता की सेवा करूँगा। बात करने के लिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि मीडिया ने उन्हें कद्दावर बनाया है, इस चुनाव ने शायद बहुत कुछ सिखा दिया है सारा, बहुत सारी चीजों को। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। लोड कैसा भी हो खींचे सोनालिका ट्रैक्टर, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला ट्रैक्टर, भारत की धाक, 100 से ज्यादा देशों में जमा रहा है सोनालिका ट्रैक्टर, 6 लाख से अधिक किसानों की खुशहाली का साथी सोनालिका ट्रैक्टर। पिछले 20 सालों से 20 HP से लेकर 110 HP तक के हैवी ड्यूटी के ट्रैक्टर बना रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।